फॉलिंग इन टू योर स्माइल आपकी मुस्कुराहट पर फिदा है हम एपिसोड 19 तो गाइज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए तो हमने देखा था कि टीम ती, ऑफ के साथ टीम जी जी का मैच था सेकेंड मैच स्टार्ट हो गया है चैंग जो है स्टार्ट से ही उसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि लास्ट मैच में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो इस बार इसने इस चीज़ का मौका नहीं दिया है दूसरी टीम को और वो अपनी टीम को एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ लेकर चल रहा है लू जो है उसका परफॉर्मेंस इस टीम में काफ़ी ज़बरदस्त रहा इन्होंने बहुत अच्छी टीम परफॉर्मेंस दिखाई मिलकर जो है दूसरी टीम को घेर लिया और इससे हमने देखा कि टीम जी जी डी एक्स जो है वो ये मैच जीत जाती है चैजमैन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है और लू जो है वो मैन ऑफ द मैच भी होता है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहता है टीम जी जी टी एक्स को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उनकी इस परफॉर्मेंस पर यहाँ पर स्माइलिंग जो है या वो अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठी ये सब देख रही है और वो खुश हो रही होती है कि उसकी टीम जो है ये मैच जीत चुकी है टीम वापस आती है तो यायो काफ़ी खुश होती है उनको कंग्रेचुलेट करती है हाई फाई करती है लेकिन जैसे ही सामने मिस्टर रूड आते हैं तो उसके तोते उड़ जाते हैं वो चुप हो जाती है लेकिन चैन जो है उसे हाई फाई दे देता है देन हम देखते हैं उसके बाद वो लू को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तुम्हारे फैंस काफ़ी ज़्यादा भर जाएंगे जिस पर लू कहता है क्या लगता है ये लड़की पागल हो गई है ये एक्टिंग कर रही है क्या ये रिटायर होने का तो नहीं सोच रही है ये मेरी तारीफ़ कर रही है तुम इतनी जल्दी क्यों रिटायर होना चाहती हो ये सब सुन रहा होता है और उसे इनकी बातें काफ़ी इरीटेट कर रही होती हैं वो कहता है कि यायू कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब मेहनत की हमने कोई मैच नहीं आ रहा था और आज इनाम तुम ले रहे हो जिस पर वो कहता है तुमने ये मेहनत अपने लिए की थी और टीम के लिए की थी खैर यायो उसे कहती है तुम्हें थोड़ी अक्ल भी है मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ और तुम ऐसे कर रही हो लू जो है इस पर काफ़ी हंसता है और चैंग कहता है तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो जिस पर याव्यो उसे देखती है और चुप कर जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर रिपोर्टर्स जो हैं वो पहले से ही टीम के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं सब लोग चले जाते हैं लेकिन क्योंकि तौगया वो आज पर आज कल स्माइलिंग जो है काफ़ी ख़बरों में है उसको रिपोर्टर्स रोक लेते हैं उसे तरह तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि आपको सस्पेंस सस्पेंशन लगा दिया गया ऐसा क्यों किया गया सस्पेंड कर दिया गया आपको कि आपको अफसोस है आपने अपनी टीम की हेल्प करने की कोशिश की और आपके साथ गलत हुआ आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह लू जो है काफ़ी इरीटेट हो रहा होता है रिपोर्टरों से पूछते हैं तुमने उसे क्यों मारा तुम इतनी बदतमीज़ हो और तुम्हारा आउटबर्स्ट है जिस पर चैंग कहता है कि वो वो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब क्यों देगी आप सोचें और वो कहती है कि आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिना इसकी कोई ट्रेनिंग लिए आप लोगों ने गलत किया दूसरों के साथ आपने बस इसे लड़की होने के नाते रखा जिस पर चैंग उसे कहता है क्या आपने क्रिमिनल लॉ वो सेक्शन बताता है इसके अकॉर्डिंग आप किसी की पब्लिसिटी ख़राब करें उनके बारे में गलत बताएं तो आपको सज़ा होती है इसीलिए बोलने से पहले सोच लिया करें यायो काफ़ी हैरान होती है कि इसको ला की इतनी इन्फॉर्मेशन है चैंग वहाँ से चला जाता है और यायो जो है वो लू को पूछती है कि चैंग ने इस तरह की कहानियाँ क्यों सुनाई जिस पर लू जो है उसे बताता है कि मेरे भाई ने पोलिटिकल साइंस एंड लॉ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है उसे सब लाज अच्छे से पता है यहाँ बस में जो है यायो वो लू का इंटरव्यू देख रही होती है जो मैन ऑफ द मैच का बाद में होता है और वो बताते हैं कि आपकी वो पूछती है लड़की के आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी जिस पर वो बताते हैं हमारे कोच जो हैं गवर्नमेंट वो कहते हैं कि आपको हर शिक्के कामी के लिए तैयार रहना चाहिए इैनरा जो है उसने मुझे पहले ही तैयार किया था एंड देन वो यायो की बात करता है कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए कहा था कि तुम इसकी प्रैक्टिस करो इस मैच के लिए वो अच्छा है वो यायो की तारीफ कर रहा था यायो ये सुन रही होती है लू जो है वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है कि भाई हमारी सब्सिट्यूट हमारी मिड जो है वो काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं और वो हर एरिना में हर इश्गामे में काफ़ी अच्छी हैं हर कैरेक्टर में काफ़ी वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद लूँगा मैं उसकी सीट लेने नहीं आया हूँ वो उसे कहती है तुम वाकई में मेरी तारीफ़ कर रहे हो ये सरप्राइजिंग है जिस पर लोग कहते हैं मैं तो भाई बस अपनी भाई की टीम को सपोर्ट कर रहा था जिस पर यायो उसे बस देख के रह जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग डिनर करने आए हैं यायो को चलने में प्रॉब्लम हो रही है लो से पूछते हैं क्या तुम्हारे पाँव टूट गए हैं और वो बताती है कि मेरे पाँव में जो है थोड़ी सी चोट लगी है जूते की वजह से चैंग उसे कहते हैं क्या तुम घूंगी हो तुम बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे पाँव में मसला है खैर वहां पे वो देखते हैं कुन जो है वो भी अपनी टीम के साथ खाना खाने के लिए आया हुआ है या उसे देखती है कुन् से देखकर बाहर आ जाता है क्योंकि वो या, या का फैन भी है और वो उसे कहता है कि आप यहां जिस पर वो बताती है हम खाना खाने के लिए आए हैं और वो कहते हैं कि मेरी लाइव स्ट्रीम में तुम्हें जो लोग इंस, इंसल्ट कर रहे थे मैंने उनको बहुत डांटा याई कहती है थैंक यू लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लोग तुम्हें भी बुरा भला कहेंगे जिस पर चैंगो उसे कहता है कि भाई तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश है बचकाना है वो चैंग को देखता है और वो या को कहता है कि आप तब भी क्यूट लगती हैं जब आप लोगों को डांट रही होती हैं आप बड़ी प्यारी हैं वो बताते हैं हमारी टीम का एक ब्रदर ताइलून है वो भी आप में इंटरेस्टेड है ताइलून भी टीम में है और ये ड्रैगन के नाम से फेमस है और कहता है मैंने उसे बता दिया कि भाई ये दूसरे भाई की अमानत है इन पर नज़र मत डालो और अगर इनका झगड़ा भी हुआ तो लाइन में मैं पहला पहलाऊँ जिस पर चैंग उसे कहता है कि ख्वाब देखना बंद कर दो ऐसा कभी नहीं होगा खैर वो चैन को कहता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब आप लोगों को डांटते हैं आप बिल्कुल कूल नहीं लगते आ, उसके बाद वो उसको यायो को मैसेज करने का कहकर वहाँ से चला जाता है और चैंग यायो को कहता है ठीक से चलो और वो कहती है कि वो जो ब्रदर ताइल है जिस पर चैंग कहता है अब तुम उसको भी जानती हो और चैंग को गुस्सा आ जाता है कि भाई यायो हर बंदे को ही जानती है यहाँ देखें तो सब लोग जो हैं वो खाना खा रहे होते हैं और लेकिन यायो जो है वो काफ़ी गहरी सोच में होती है वो कुछ नहीं खा रही होती है फैटी से पूछते हैं तुम्हें क्या मसला हो गया जिस पर वो कहती है कि मैंने तायलून को कहीं देखा है लू से कहते हैं हमने डी फाइव के साथ पहले भी बहुत सारे मैचेस किए हैं देखा होगा बट वो कहती है मैंने उसे कहीं और देखा है और अचानक से वो चिल्लाती है जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं और वो कहती है मुझे याद आ गया मैंने उसे कहाँ देखा है चैन पूछता है क्या मसला हो गया और वो उसे बताती है कि जिस लड़की ने मेरे खिलाफ लाइव स्ट्रीम की थी कि मैंने उसे मारा मैंने इसे उस वीडियो में देखा था क्या ये दोनों कपल हैं जिस पर फैटी कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और चैंग उसकी प्लेट में और खाना डाल के कहता है तुम्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तुम अभी बहुत छोटी हो तुम्हारा दिमाग छोटा है खैर हम देखते हैं रात को ये सब बस में ही है और चैंग जो है सब सो रहे होते हैं चैंग अचानक से बस रुकवाता है आ, उसको आ, वो मैनेजर हुई पूछता है कहाँ जा रहे हो जिस पर वो कहते हैं मुझे कुछ खरीदना है और मेरा वेट ना करना और जाने से पहले जो है वो एक नज़र रुक कर सो रही वहाँ पर याविया को ज़रूर देखता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है देन हम देखते हैं कि यहाँ बेस कैंप में फैटी जो है वो दाबिंग जो कि यारियों की बिल्ली है उसको खाने के लिए लेकर जा रहा होता है बट वो रुक जाता है एक चीज देखकर वो वह शौक हो जाता है क्योंकि चैंग के एक्वेरियम में से एक मछली गायब होती है फैटी बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो चैंग के बच्चे हैं वो यायो को बुलाता है और उनसे कहता है कि भाई तुम्हारी दाबिंग लगता है एक बच्चा खा गई है उसका एक गोल्डफिश जो है वो गायब है दोनों अच्छे से ढूंढते हैं और दोनों को समझ आ जाती है कि भई अब घर में तमाशा होने वाला है खैर नहीं है किसी की भी वो ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे कहता है कि चैंग के वापस आने से पहले पहले कुछ कर लो वरना तुम और दाबिंग जो हैं दोनों इस घर से गायब हो जाओगे क्योंकि उसे इक्वेरियम पर दाबिंग का बाल भी मिल जाता है और ये समझने में उनको देर नहीं मिल लगती है कि ये उसी का कारनामा है खैर वो दोनों अभी खड़े यही सोच रहे होते हैं कि चैंग के वापस आने से पहले क्या करना है कि चैंग वहीं पर आ जाता है नहीं या जो है वो अपनी एक कीचन जो है वो पानी में डाल देती है फ़िश बनी होती है और कहती है ये ज़्यादा बेस्ट है उसे देख के लगेगा उसकी मछली है और जिस पर फैटी से कहता है तुम्हें लगता है वो इडियट है और यायू कहती है फ़र्क ढूंढना इतना कोई मुश्किल आसान असा, नहीं है चैन वहीं आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो जिस पर या फटा फटाफट अपना की निकाल के बाहर फेंकती है और कहती है आपकी एक मछली मर गई है और मैं इसकी लाश फेंक देती हूँ जिस पर चैन जो है उसे घूर कर देखता है कि क्या मसला है और फैटी और यायो एक दूसरे को देख रहे होते हैं चैन इन दोनों को घूर रहा होता है और यायो कहती है मैंने आज तक चैन को कभी थैंक यू नहीं कहा उसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया वो इतने अच्छे हैं उसकी बहुत सारी तारीफें करती है और कहती है कि वो फूड चेन की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिस पर चैन जो ऐसे है सो घूरता है टोंग याओ सीधी तरह बताओ क्या मसला है और फिर वो कहती है कि भाई मेरी बिल्ली जो है वो भी फूड चेन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करती है और उसने उसी फूड चेन के चलते आपके एक बच्चे को खा लिया है चैंग का गुस्सा देखने वाला होता है फैटी कहता है हो सकता है तुम्हारी मछली के पर निकल आए हो और वो साउथ में चली गई हो जिस पर चैंग उसे चुप करवा देता है कि तुम चुप और फैटी जो है वहाँ से चुप करके निकलने में ही अपना फ़ायदा समझता है यहाँ याविया या, और चैंग अकेले रह जाते हैं वो काफ़ी डर जाती है कि अब उसकी खैर नहीं है चैंग उसके काफ़ी करीब आ जाता है उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है याविया या, को समझ नहीं आ रही होती है क्या करें बट चैंग जो है उसका हाथ पकड़ उसमें बैंडेड रख देता है और उसे कहता है तुम्हारा बैंडेड और सरप्राइजिंगली उसको डांटता नहीं है और वहाँ से चला जाता है याविया काफ़ी हैरान होती है उसको डांट नहीं पड़ी खैर वो अपने कमरे में आकर अपने पाँव पे बैंडेड लगा रही होती है तभी आ जाती है उसकी फ्रेंड की कॉल जीनी एंकी और वो कहती है याविया को अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे मूड में लग रही हो वो कहती है हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है जिस पर वो कहती है लगता है तुम्हारे कैप्टन जो है आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रीम नहीं कर रहे थे और ऑनलाइन पुराना ढूंढ रहे थे और जिस पर यावि कहती है कि वो ये एक ऐसा प्लान ढूँढ रहा है वो जो कि अपने इर्द गिर्द आने वाले सभी जो हैं उनको खा जाता है विनस फ्लाई रैप इसको कहते हैं अपने सारे कीड़ों को ये खा जाता है जिस पर यायो कहती है कि अब चैंग उसके पास वो पौधा रखेगा मेरी दाबिंग तो बेचारी गई चैंग कहता है मैं अपनी मछलियों को बचाने के लिए वहाँ पर रखना चाहता हूँ और यायो को बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मेरी दाबिंग का क्या होगा वो दाबिंग के बारे में ही सोचते हुए सो जाती है कि इसको कुछ हो जाएगा और अगले दिन जो है याविया या सो रही होती है और दाबिंग की आवाज़ से उठती है और डर जाती है कि दाबिंग के साथ कहीं कुछ कर तो नहीं दिया वो उसे ढूंढती हुई नीचे आती है और सब तरफ ढूंढ रही होती है बट उसको वो नहीं मिलती है और वो सब तक तर, सब तरफ़ देती है लेकिन अचानक उसे से उसे दाबिंग जो है वो नज़र आ जाती है एक्चुअली में वो चैंग के साथ होती है चैंग सो रहा होता है और दाबिंग उसके ऊपर बैठी हुई होती है वो वहाँ से जाती है याविया या उसके ऊपर जो है वो ब्लैंकेट उड़ा देती है और चैंग याहिया का सर दाबिंग समझ कर अपने ऊपर दबा लेता है और उसका सर से हिलाने लगता है जिस पर याहू जो है काफ़ी हिलती है कि मुझे छोड़ो मैं दाबिंग नहीं हूँ आप मुझे कोई गलत समझ रहे हो लेकिन चैंग नींद में होता है और उसे कहता है हिलो मत तुम यहाँ पर भी सब ख़राब कर दोगी और जिस पर यही जो है काफ़ी चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो फैटी जो है वो नींद में नीचे आ रहा था इनकी आवाज़ें सुनकर और वो देख के एकदम से शौक़ हो जाता है कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है चैंग और याहिया सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा शौक़ हो जाता है अपने रूम में भाग जाता है और अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक सांस में कोई दस मैसेज जो है चैंग को कर देता है कि मैंने तुम्हें कभी ऐसा बंदा नहीं समझा था ये सुबह सुबह मैंने क्या देखा मैं आज के बाद कभी जल्दी नहीं जागूंगा वगैरह 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 यहाँ ही आयो जो है बहुत शोर मचाती है और कहती है मैं पुलिस को बुलाऊंगी और छूट जाती है उससे और पीछे हट के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो चैंग एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाता है और उसे समझ नहीं आ रही थी यहाँ क्या है और या जो है उसे पूरी कहानी बताती है कि भाई तुम सो रहे थे मैं उसको ढूंढ रही थी मैं विनास फ्लाइट रैप की वजह से काफ़ी परेशान थी तुम पूरी रात ढूंढते रहे हो नेट पर तुम इसलिए सोफे पर ही सो गए और तुमने मेरे बाल खराब कर दिए मुझे दाविंग समझ कर ये सब और चैंग जो है सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और लास्ट पर यावियो उसे बताती है कि फैटी ने यह सब कुछ देख लिया और अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा चैंग अपना फ़ोन ऑन करता है और देखता है फैटी के सब मैसेजेस उसको कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हें गलत लगा है और अगर हमने कुछ करना भी होता तो हम लिविंग रूम में ना करते मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम एक स्टूपट इंसान हो कुछ भी सोचोगे खैर या जो है उसे कहती है तुम्हें इस तरह से सफाई नहीं देनी चाहिए थी ये कैसा तरीका है और वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है फैटी ने जो देखा उसका क्या समझा होगा जिस पर या जो है चुप कर जाती है चैंग देखते हैं हम उसके बाद किचन में जाता है याइो उसके पास आती है और उसको कहती है कि मैं सोच रही थी आज जो है हमारे ट्रेनिंग मैचेस नहीं है आज हमारी छुट्टी है तो क्यों ना हम गोल्डफिश लेने जाएं लेकिन क्योंकि आप पूरी रात जागे हो तो मुझे नहीं लगता आप चलोगे तो फिर खैर रहने देते हैं जिस पर चैंग उसे कहते हैं कि नहीं चलते हैं मैं बस फ्रेश हो जाऊँ नहा हूँ और तुम भी अपने बाल वगैरह वॉश कर लो क्या हशेर बना के रखा हुआ है खैर वो वहाँ से चला जाता है और यायो काफ़ी स्माइल करती है कि चैंग ने इसकी बात मान ली है यहाँ हम देखते हैं जी मैडम की तैयारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं वो अच्छे से तैयार हो रही है और काफ़ी हैप्पी है हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यवियों ही नहीं वहाँ चैंग भी जो है काफ़ी तैयारी कर रहा होता है रूटीन से काफ़ी हट कर दोनों ही जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और बेस्ट आउटफिट निकालते हैं यावियों को हम देखते हैं उसने स्कर्ट पहनी है जो कि आमतौर पर वो बेस कैंप में नहीं पहनती है और परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ पता नहीं है दोनों इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं जाना तो इन्होंने सिर्फ मछली लेने ही है अच्छा जी हम देखते हैं कि याल जो है रूम से बाहर आती है काफ़ी हैप्पी होती है वहीं पर चैंग आ जाता है और वो कहता है कि चलो ये दोनों तैयार होकर अभी नीचे आ रहे होते हैं वहां पर फैटी और मैनेजर रुई किसी बात पर जो है बहस कर रहे होते हैं और इन दोनों काकर को आकर वो दोनों का इन दोनों को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये दोनों इतने तैयार होकर बन ठन के कहाँ जाने की तैयारी रखे हुए हैं वो उन्हें पूछते भी हैं लेकिन वो दोनों दोनों के सवालों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं फैटी कहते हैं कि तुम वाकई में तैयार हुई हो उनके जाते ही ये दोनों भाग पीछे आते हैं और उनको देख रहे होते हैं और चैंग जो है वो अपने शूज़ जो हैं वो भी यायो के शूज़ से मैचिंग करके निकालता है नॉर्मल शूज़ जो है वो आमतौर पर पहनता है वो नहीं शू रैग से निकालता वो दोनों कहते हैं एक्सक्यूज़ मी यहाँ क्या हो रहा है जिस पर वो दोनों चैंग और यायो उन्हें बस देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है जिस पर रुई कहता है इनको तो मछली लेने जाना था तो फिर ये आखिर क्या हो रहा है क्यों नहीं कहता है कि बहारें आ गई हैं तुम दोनों भी तैयार हो जा देखने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि दोनों जो है मार्केट आ गए हैं और वो कहती है कि आपने ये चेन पहनी आप बेस कैंप में नहीं पहनते और वो कहता है कि मैं किसके लिए पहनूँ वहाँ पर और या, याविया कहती है तो यहाँ क्या आप फ़िश के लिए पहनकर आए हैं जिस पर जैन कहता है तो तुम क्या स्कर्ट फिश के लिए पहन के आई हो अभी इन दोनों की यही बात हो रही होती है कि वहाँ पर एक फूलों वाला जो है वो याविया से टकरा जाता है और सारे फूल गिर जाते हैं और यविया भी गिरने वाली होती है लेकिन चैंग जो है दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है और उसको संभाल लेता है गिरने से आ, अब सीन कुछ ऐसा है कि सारी तरफ जो है फूल बिखर गए हैं और चैंग और यायो वहाँ पर खड़े हैं उसने उसको रोक लिया है काफ़ी यहाँ पर एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट कर दिया है इन्होंने कुछ लम्हे के लिए आ, देन हम देखते हैं कि उसके बाद यायो उसे घूरे जा रही होती है चैंग उसे कहता है मुझे घूरना बंद कर दिया तुम बंद कर दो कब तक घूरोगी खैर वो संभल जाती है उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसे कहते हैं क्या तुम छोटी बच्ची हो तुम्हें हील पहन कर चलना भी नहीं आता और यायू उसकी इस बात पर थोड़ा सा गूसा करती है और वहाँ से चली जाती है और चैंग उसकी हील देख रहा होता है जिसे चलने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है यहाँ पर फ़िश देखते हैं काफ़ी गोल्ड फिश ब्राइट कलर्स की होती हैं वो कहती है कि आपको कौन सी चाहिए लेकिन चैंग कहता है मुझे सिर्फ़ ब्लैक चाहिए यायो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इतना ज़बरदस्त ये वाला कलर है आपको ब्लैक ही क्यों चाहिए ये इतनी प्यारी है ये वो इतनी लाइवली लगती हैं जिस पर चैंग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी मोटी बिल्ली जो है मेरी वाली फ़िश को मत खाती तो मेरी फिश भी आज अ, लंबी ज़िंदगी जी रही होती अ, तुम्हारी सारी बिल्ली का ही ये कसूर है उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ओनर होता है वो कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक कह रही है इनके साथ गुस्सा ना करें इनकी बात मान लें वरना बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये आपकी बात नहीं मानेंगी और ये आपको अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देंगी जिस पर चैंग जो है वो काली फिश के लिए ब्लैक फिश के लिए बहस बंद कर देता है और फौन से उसे कहता है कि इसकी प्राइस क्या है आ, वो उसको जो है प्राइस बता देता है चैंग जो कि पहले ब्लैक फिश लेने वाला था हाथ पकड़ने की बात सुन के फ़ौर से ही वो वाली फ़िश ले लेता है वो उसे बात करने की कोशिश करता है जिस पर यायो उसे मना कर दिया है और वो उसे कहता है कि मेरी बीवी भी बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है जिस पर यायो उसे कहती है हम दोनों कपल नहीं हैं लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चैंग उसके सर पर एक थपकी लगा उसको रोक देता है और फ़िश ले लेता है यारहो उससे फिश रिसीव करती है लेकिन देखती है इतनी देर में वहाँ पर चैंग नहीं है वो सारी तरफ मार्केट में देखती है उसे चैंग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था और वो थोड़ी परेशान हो जाती है बट अचानक से चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है ये वही असर है चैंग ने ज़ाहिर है उसकी पसंद की फ़िश ले लिया अब उसका हाथ पकड़ने पर वही हक बनता है वो कहता है ऐसे क्या देख रही हो चलो चले यहाँ से और वो उसको लेकर वहाँ से आ जाता है और कहते हैं अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहती तो अब अपनी बिल्ली को मेरी मछलियों से दूर रखना उसके बाद हम देखते हैं कि या को एक बिल्ली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो उस आदमी से उसकी प्राइस पूछती है लेकिन चैंग उसे कहते हैं तुम पागल हो गई हो घर में ऑलरेडी दो बिल्लियाँ हैं तुम एक और बिल्ली लेकर क्या करोगी जिस पर या उसको हैरान होकर देखती है इतनी देर में ही वहाँ पर एक दूसरी टीम का ताइल आ जाता है वो भी एक लड़की के साथ होता है वही बिल्ली वो ले लेते हैं यावि कहती है कि मैंने इस बिल्ली को पहले देखा था लेकिन चैंग उसे कहता है चलो यहाँ से और वो उसे ले जाता है याविओ मुड़ मुड़ कर भी उस बिल्ली को देख रही होती है ताइल की गर्लफ्रेंड उसे पूछती है क्या ये चैसमैन था और वो उसे बताता है हाँ चलो यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे हैं और वो कहती है कि मुझे वो बिल्ली चाहिए थी चैंग कहता है तुम्हारे पास पहले ही है और घर में ऑलरेडी दो बिल्लियाँ हैं जिस पर यायो कहती है कि घर में दो कम हैं और वो कहता है तुम भी किसी बिल्ली से कम नहीं हो और वो कहती है कि वो वाली बिल्ली कितनी ज़्यादा क्यूट थी देन याऊ से पूछती है कि तैयु उनकी गर्लफ्रेंड तो वो लड़की थी जिसने लाइव स्ट्रीम की तो वो इस लड़की के साथ क्या कर रहा है जिस पर चैंग कहता है हो सकता है वो कोई फैन हो याहुआ कहती है आखिर यहाँ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही चैंग उसे कहते हैं कि तुम हर किसी के बारे में मत सोचा करो और तुम्हें वैसे भी मर्दों की पहचान नहीं है और अपना मुंह ज्यादातर बंद ही रखा करो मत बोला करो वरना तुम मैं अगर उसके बारे में गलत बोलता तो तुम कहती कि मैंने जेलस होकर कहा इसलिए मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया देन हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में हैं और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है तुम क्या खाओगे जिस पर वो कहती है कि मुझे नूडल्स खानी है और चैंगू उसे कहता है मुझे लगता था कि गर्ल्स नूडल नहीं खाती जिस पर यह उसको काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर देती है कि मुझे नूडल्स और एग्स और वगैरह वगैरह सब कुछ पसंद है खैर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं वो चैंगू से पूछता है कि तुम्हारा क्या करने का प्लान है मेरा आज गेम्स खेलने का कोई प्लान नहीं है और वो उसे पूछता नहीं है बल्कि उसे बता देता है कि मैंने दो टिकट्स ले लिया हैं अब हम मूवी देखने भी जाएंगे यहाँ देखते हैं थिएटर में तो यावि अपना फेस काफ़ी छुपा रही होती है कि इसको कोई देख ना ले वो चैंग के साथ मूवी देखने आई है और चैंग उसे देख रहा होता है और उसे कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम कोई चोर हो तुमने कोई चोरी थोड़ी की है जो अपना मुँह छुपाओ जिस पर यावुआ उसे बताती है कि हम काफ़ी फेमस हैं लोग को हमें देख लेंगे और वो कहते हैं आज नहीं तो कम कल जो है पहली बार तुम मेरे पीछे छुप गई थी लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा तुम्हें लोगों को फेस करना है आज नहीं तो कम कल तुम सबके सामने आ जाओगी तुम एक पब्लिक फिगर हो खैर Uh, वो से कहती है मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि पब्लिक स्लोगन से भागना छोड़ दें वो कहता है कि देखो किसी ने तुम्हें कहा था तुम्हारा वेट बढ़ गया जिस पर यायो कहती है रैली really? और चैंगू उसे कहते हैं देखा तुम्हें फिर से फ़र्क पड़ गया क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा वेट कितना है खैर यायो कहती है कि एक प्रोग्रेमर बनना कितना मुश्किल काम है चैंगू उसे बस देख कर रह जाता है वो दोनों मूवी देख ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तयलुन जो है उसी लड़की के साथ आ जाता है वो दोनों बिल्ली को भी वहीं पर ले आते हैं उसने उसको रैप किया हुआ आता है यायो को बिल्ली की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है तुम इसको यहाँ ले आई हो यहाँ पर इतनी सर्दी है जिस पर वो लड़की जो है ताली उनको देखती है जो काफ़ी रूड एक्सप्रेशन लिए वहाँ पर बैठा होता है खैर चैंग उसका सर पकड़ कर सीधा करता है और कहता है अपनी मूवी इंजॉय करो दूसरों के फड्डे में टांगे मत तड़ाओ बाद में हम देखते हैं कि मूवी ख़त्म होती है वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं जो है वो पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है ताकि फैंस उसे ना देख लें और यायो कहती है वो कितना चलाक इंसान है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सामने काफ़ी सारे फैंस होते हैं और वो चेज़मैन और स्माइलिंग को पहचान लेते हैं यायो और चैंग के पीछे छुपने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ के सीधा करता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि दूसरी बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम छुप जाओ तुम्हें लोगों को सामना करना होगा फैंस काफ़ी बातें बता रहे बना रहे होते हैं कि ये इसके पीछे छुप रही है ये शाए है ये दोनों कपल हैं ये दोनों डेट कर रहे हैं काफ़ी सारी बातें करते हैं और यायो जो है सारी बातें सुन रही होती है लोग कहते हैं कि अच्छा तो नेट पर पहलने वाली सारी बातें सच थी यायो उसके पीछे से फाइनली निकल आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं तो टीम जी जी की मेट हूँ जिस पर चैंग उन लड़कियों को कहता है कि ये बहुत शाया है इसको मजीद मत करें इसको इतने सारे सवाल मत पूछें लोग जो हैं उनकी तस्वीरें भी लेते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कपल हैं उनके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं कहते हैं कि आप दोनों कपल हैं और वो कहती है नहीं नहीं हम कपल नहीं हैं हम बस ऐसे ही मूवी देखने आए हैं जिस पर चैंग उसे घूर कर देखता है कि ये इसने ऐसा क्यों कहा खैर या ही उनको स्माइल करती है पिक्चर्स बनवाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस आ जाते हैं चैंग एक्वेरियम में फिश को डालकर काफ़ी हैप्पी होते हैं और फैटी से कहते हैं कि तुमने आज क्या किया जिस पर चैंग कहता है कि मैं मछली लेने गया था मार्केट में फैटी कहता है तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ मुझे बताओ क्या किया जिस पर चैंगू से कहता है हम बाद में मूवी देखने गए थे तो क्या हो गया भाई कैप्टन से कौन सवाल करे उसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ मूवी की स्टोरी क्या है क्योंकि ये तुम्हारी फेवरेट थी तो मैं स्पॉइल कर देता हूँ जिस पर फैटी अपने कानों पर हाथ लगाकर वहाँ से भाग जाता है कि नहीं मुझे मत बताओ मैं खुद देखूंगा इस मूवी को नेक्स्ट हम देखते हैं यायो जो है वो कंप्यूटर पर बैठी है और वो लाइव स्ट्रीम देख रही है ताइल उनकी ताइल टीम डी क्यू फाइव का है और वो वही बिल्ली लेके बैठा था कि मेरी किसी फैन ने दी है ये बहुत क्यूट है एक्चुअली में ये बंदा बहुत ही मीन है और इसने उस बिल्ली को लेकर लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए ये उस लड़की को अपनी फ़ैन बताता है जबकि वो इसकी वो खुद को इसकी गर्लफ्रेंड समझती है या ये कोई अच्छा नहीं लग रहा था है लोग इसे से पूछते हैं कि आप मूवी देखने गए थे जिस पर वो साफ झूठ बोल देता है कि मैं तो आज गेम खेल रहा था आपने मेंबर से पूछा है हम देखते हैं कि उसकी अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है या ये कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है फैटी इससे पूछते हैं कि तुम डी क्यू फाइव के तायलोन का क्यों देख रही हो जिस पर वो बताती है हमारे इनके साथ मैच है और मैं पहले से इनकी स्ट्रैटेजी देखना चाहती हूँ चैंग वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या मसला है या कहती है कि ये तायलोन बहुत ही घटिया इंसान है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सभी मेल प्रोग्रामर इसी तरह के होते हैं जिस पर चैंग उसे घूर कर देखता है और उसे कहता है वो घटिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है तुम सबको ऐसा क्यों कह रही हो इसमें मेरा क्या लेना देना है वहाँ पर चैंग काफ़ी क्यूट लगता है खैर या यू जो है वो देखती है लोगों ने पोस्ट की होती है कि ताइल उन मूवी देखने गया था लेकिन वो इनकार कर रहा है काफ़ी बातें क्रिएट होती हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है या यो लाइफ स्ट्रीम ऑन करती है चैन साथ ही बैठा होता है लोग इनकी बात कर रहे होते हैं कि हमने स्माइलिंग और चैसमैन को देखा वो दोनों एज ए कपल थे और वहीं पर जो है बात हो जाती है उसकी ताइल उनकी वो बताती है कि हम तो गए थे भाई हम कहाँ लिखा है कि सिर्फ कपल्स ही जो हैं वो मूवी देखने जा सकते हैं खैर लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो मूवी स्टार्ट में तो वहाँ पर थे लेकिन बाद में वहाँ से गायब हो गए थे चैंग उसे देखता है कि इसने इस तरह की बात क्यों की ये लड़की अपने मुँह पर काबू नहीं रख सकती ये एक और जो है सरकस कमेंट दे रही है जिस पर इंटरनेट पर हवा बनने वाला है और वो हवा बन जाता है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि स्माइलिंग जो है ड्रैगन को ही रेफर कर रही है अब इधर हम देखें तो टीम डी क्यू फाइव के साथ इनका मैच आ गया है फैंस वहीं पर हैं और ये वही टीम है ड्रैगन की दोनों टीम्स जो हैं वेराइडी होती हैं जो होस्ट है वो सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे होता है हम देखते हैं कि तायलुन जो है वो काफ़ी गुस्से से स्माइलिंग को देख रहा होता है जिस पर स्माइलिंग कहती है कि आज आप लोग मेरी हेल्प करना मैं ख़ुद को काफ़ी नर्वस फील कर रही हूँ एक्चुअली मुझे तायलुन की नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और चैंग ये बात सुनता है कि वो नर्वस है और चैंग कहते हैं तुम क्या कोई रैबिट हो जो नर्वस फील कर रही हो कॉन्फिडेंट रहो देन हम देखते हैं कि मैच जो है स्टार्ट हो गया है दोनों टीम्स बैन पिक स्टेज हो जाती है और लेकिन वो लोग स्टार्ट से ही सब काम छोड़ के वो पूरी टीम जो है एक सरप्राइजिंग है वो स्माइलिंग को घेर लेते हैं और उसको अटैक कर रहे होते हैं उसे मार रहे होते हैं सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि ये इनकी कैसी स्ट्रैटेजी है ना ये गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं बल्कि एक ही मेम्बर को अटैक कर रहे हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता स्माइलिंग जो है काफ़ी इरीटेट हो रही होती है क्योंकि उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा होता है और वो लोग बार बार स्माइलिंग को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे होते और उसे मार देते हैं चैंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा था इनकी हरकतों पर लेकिन कुछ नहीं कर सकते आ, फैटी कहते हैं कि मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर आ, कितना गलत हो रहा है कि वो लोग सब का हम छोड़ के एक्चुअली में मैच को भी छोड़ के वो सिर्फ एक मिड लेन को डोमिनेट कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं किस किस्म की स्ट्रैटी वो लोग यूज़ कर रहे हैं यायो को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और यहाँ तायल उसे अटैक करके काफ़ी खुश हो रहा होता है एपिसोड नाइनटीन यहीं पर ख़त्म होता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू